बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। आईपीएल में आज जबरदस्त मुकाबला होने वाला है मुंबई और राजस्थान के बीच में। इस मुकाबले में लोगों की नजरें रहने वाली हैं हार्दिक पांड्या और मुंबई के पूरी क्राउड पर, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आई थी कि शोर मचाने पर एक्शन होगा, लेकिन बाद में इन खबरों से इनकार किया गया। लेकिन फैंस को अपडेट चाहिए सूर्य कुमार यादव को लेकर, उसी पर आपको अपडेट बताएंगे कि सूर्या का क्या सीन है, सूर्या क्या आज का मुकाबला खेलेंगे, हार्दिक के लिए क्या खुशखबरी आएगी, इन तमाम चीजों पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल सूर्या की रिपोर्ट पर आए तो सूर्या को लेकर खबर बहुत अच्छी नहीं है। एमसीए से सूर्या पर जो रिपोर्ट है उसकी माने तो सूर्या बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं और बहुत जल्द एमआई के लिए खेलेंगे। हालांकि पहले दो मैचों में चूकने के कारण उन्हें कुछ और मैचों के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है। ये है सूर्य कुमार यादव को लेकर रिपोर्ट, यानी कि पहले दो मुकाबलों में वो टीम का हिस्सा नहीं थे, यानी कि और आने वाले मुकाबलों में भी वो मुकाबले मिस कर सकते हैं। यानी कि जो आज मुकाबला राजस्थान के साथ होगा उसमें सूर्य कुमार यादव आपको नहीं दिखाई देंगे, बल्कि जो उसके बाद का मुकाबला होगा 7 तारीख को जहां मुंबई दिल्ली के साथ मुकाबला खेलने वाली है, उस मुकाबले में आपको सूर्य कुमार यादव नजर आ सकते हैं। वो मुकाबला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहां पर अगर आप देखें मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि पहले दो मुकाबले में सूर्या टीम का हिस्सा नहीं थे। नतीजा आपने देखा, दोनों मुकाबले में मुंबई जीत की दहलीज से मुकाबला हार जाती है। ऐसे में सूर्या के आने पर शायद मुंबई के फैंस का यही मानना है कि चीजें बदलेंगी और यहां पर जीत की पटरी पर अगर आप देखें तो यहां पर लौटेगी अगर हम मुंबई की बात करें। लेकिन आज के मुकाबले के प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो सूर्या आज के मुकाबले में नहीं खेलेंगे, यानी कि नमन धीर जो पिछले मुकाबले में टीम का हिस्सा थे और उन्होंने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी थी, वही नंबर 3 पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा लगभग प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है। हाजरूर मफाका और शम्स मुलानी पर हार्दिक पांड्या बाहर करने पर निर्णय जरूर ले सकते हैं, क्योंकि शम्स मुलानी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और इनके पास कुमार कार्तिकेय जैसा खिलाड़ी भी मौजूद है। वहीं अगर आप देखें मफाका की जगह इंडियन ऑप्शन में अगर आप जाना चाहें तो फिर आप जा सकते हैं आकाश मधवाल की तरफ। वहीं आपके पास मोहम्मद नबी जैसा खिलाड़ी है जो गेंदबाजी भी अच्छी करता है और बल्लेबाजी भी अच्छा करता है, तो ऐसे में नजरें होंगी कि क्या मोहम्मद नबी को आज खिलाएंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइए, लेकिन इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कि सूर्या का खेलना या ना खेलना मुंबई के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।